नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हिमालया नेचुरल हिना का रिव्यू और इसे आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये वर्क करती है आपके बालों पर। तो ये सब चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। प्लीज दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मेहंदी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो प्लीज आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, ये है हिमालया नेचुरल शाइन हिना और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। पैकेजिंग काफी अच्छी है, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो इसमें आंवला करी लीव्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं और ये आपको देती है सॉफ्ट शाइनी एंड हेल्दी हेयर। पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, आपने इसे कैसे लगाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। प्राइस की मैं अगर बात करूं तो ये है 75 रुपीज की। एक्सपायरी डेट आप इसकी देख सकते हो 2021 तक है। अच्छी खासी इसकी डेट है, एक साल तक ये आपकी चल जाएगी, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसकी जो क्वांटिटी मिलती है ये आपको मिल जाती है 120 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। और तो चलिए मैं इसे अपने बालों में आपको अप्लाई कर दिखा देती हूँ और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कि ये किस तरह का कलर आपके बालों में देती है। फाइट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग लॉन्ग लास्टिंग कलर, यानी कि आपके अगर सफेद बाल है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपके बालों में है, तो आप इस हिना को अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कलर देती है आपके बालों में और ये मैं आपको लगाने के बाद ही बता पाऊंगी कि किस तरह का इसका रिजल्ट आया है बालों में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और इसे लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने इसे नॉर्मल पानी में, यानी कि ठंडे ताजे पानी में आपने इसे घोल लेना है। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने इस हिना की क्वांटिटी को लेना है। अगर छोटे बाल हैं तो आपने इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। अगर आपके मेरी तरह लंबे बाल हैं तो आप इसका पूरा पाउच इस्तेमाल कर सकते हो। बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही आपने इसकी क्वांटिटी को लेना है। तो चलिए अब मैं इस हिना को अपने बालों पर आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ और इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। तो यहां पर मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और इस मेहंदी को भी मैं घोल कर तैयार कर चुकी हूँ और इस मेहंदी को मैंने 1 घंटे तक घोल कर रख दिया था। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मैंने इस मेहंदी को किसी भी चाय पत्ती के पानी में या कॉफी के पानी में इस बैटर को नहीं तैयार किया है। इसे मैंने सिंपल ठंडे पानी में ही घोल कर रख दिया था और 1 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अब इसे अप्लाई कर रही हूँ। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है ना दोस्तों, वो काफी ऐसा हो गया है कि हम अपने बालों की केयर नहीं कर पाते हैं और ऐसे में खान पान की भी इसमें एक कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम खाना पीना कैसे खाते हैं। तो उस वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो प्रीमेच्योर ग्रीइंग होने लगते हैं और सफेद होने लग जाते हैं कम उम्र में ही। और आजकल तो ये प्रॉब्लम एक आम बात हो गई है बहुत ही, कि कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं, चाहे वो कम उम्र की लड़कियां हों चाहे लड़के हों, तो उनके बाल जो है व्हाइट होने लग गए हैं। तो ऐसे में आप हिना को अप्लाई कर सकते हो। और हिना को अप्लाई करना क्यों जरूरी होता है मैं आपको बता देती हूँ। हिना बल्कि आपके बालों को कलर तो करती ही है, साथ ही साथ ये आपकी जो बालों में व्हाइटनेस होती है उसको भी कलर करती है। आपके बाल अगर व्हाइट हो गए हैं तो उसे भी ये कलर करती है। क्योंकि होता क्या है कि काफी लोगों को कलर जो है वो सूट नहीं करता है। जैसे कि मैंने गार्नियर कलर का भी किया है रिव्यू, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आए थे मुझे कि मैम हमें कलर सूट नहीं करता है। तो ऐसे में आप हिना को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट टाइम हिना को अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट अपने कान के पीछे यहां पर एक बार अप्लाई कर जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो आप हिना को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने आज तक बहुत कम ही देखा है कि हिना से किसी को रिएक्शन हुआ हो या किसी तरह की एलर्जी हुई हो, लेकिन हाँ हो सकता है कि काफी लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो मे बी आपको ये रिएक्शन हो जाए। तो ऐसा वैसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के, क्योंकि हिना जो है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है और इसकी कभी भी मैंने कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं देखी है अभी तक। मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। मैंने अलग अलग ब्रांड की हिना यूज की है और जितनी भी ब्रांड की यूज की है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है गाइज। तो आप प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, हेयर केयर के नाम से आपको मिल जाएगी। और नूपुर हिना, नेहा मेहंदी, मेघा मेहंदी का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है और हिमालया मेहंदी का भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं आज इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट मैं आपको वॉश करने के बाद दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेहंदी को अप्लाई कर लिया है और इसे मैं 1 या 1.5 घंटे तक लगा रहने दूंगी और उसके बाद मैं अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी और शैम्पू भी मैं आज ही करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है गाइस कि अगर आप अपने बालों को कलर करना चाहते हैं तो आप शैम्पू नेक्स्ट डे कीजिएगा, और अगर आप बालों में कलर नहीं करना चाहते हैं तो आप सेम डे शैम्पू कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने मेहंदी को लगा लिया है और अब मैं 1 घंटे तक इसे ऐसे ही लगा रहने दूंगी। उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरी मेहंदी सूख चुकी है
और बस अभी मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी और उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। और मुझे मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की लग रहे हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो कितनी शाइन आई है बालों में, आपको नजर आ रहा होगा ये देखिए। और कलर भी बहुत अच्छा आया है बालों में, मैं आपको धूप में भी एक बार दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि धूप में भी बालों का कलर कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। दोस्तों यही था मेरा आज का हिमालय हिना का रिव्यू, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।